दर्शकों आपका स्वागत है पुलिस के आवाज न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ बीएल पांडे। हम अभी मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के सामने एचडीएफसी बैंक के ऊपर और यहाँ पे एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसे देख के आप कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हुआ हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक गरीब आदमी इनसे लोन कराता है और लोन कराने के बाद वो अपना पैसा जमा करता है, मगर एक साल बीतने के बाद उसको पता चलता है कि उसने जो पैसा जमा किया था वो आज तक उसके खाते में जमा हुआ ही नहीं। ऐसा फ्रॉड पहली बार नहीं हुआ है, जगह जगह इस तरीके के फ्रॉड होते रहते हैं, मगर मथुरा में ये मामला प्रकाश में आया है। क्योंकि आज हर आदमी की ज़रूरत होती है, वो अगर कोई चीज़ लेता है तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं से लोन या फाइनेंस कराना होता है। वो एक विश्वास करता है कि मैं अगर इससे, इस बैंक से या इस प्राइवेट संस्था से मैं कोई लोन करा रहा हूँ या मैं कुछ करा रहा हूँ तो उसे ट्रस्ट होता है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। मगर उन्हीं के एम्प्लॉई इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि एक साल तक उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया पैसा उस व्यक्ति को ना मिला हो। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, हम अभी मौजूद हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड जो कि लोन करती है प्रॉपर्टी को लेके और गोल्ड लोन को लेके लोन करती है, और मथुरा में बीएसए कॉलेज के सामने एचडीएफसी बैंक के ऊपर इनकी ऑफिस है जो मथुरा ब्रांच है। और मथुरा ब्रांच में हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड भी ऐसा हुआ है कि शायद आप सोचते रह जाएंगे अगर आदमी अनपढ़ होता तो उसके साथ क्या होता। क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, उसके पास एक टीम इनकी गई, जब टीम ने कहा कि आपके जो लोन है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए कि हमारा लोन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के ब्रांच मैनेजर भी मौजूद हैं, हरे राम जी, इनसे बात करेंगे। जी हरे राम जी, क्या प्रकरण हुआ है जी? क्या प्रकरण? इनके साथ जो धोखाधड़ी January 2023 में की गई है उसके लिए अभी आज आए हैं कस्टमर 15 दिसंबर 2023 को ब्रांच में, और इनका अभी देखा जाएगा ऊपर, और मैंने बात किया अभी और डॉक्यूमेंट लेके इनके एडो पे सेंड किए जाएंगे। किसके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है? ये हरिओम सिंह बता रहे हैं, कस्टमर हो गया, हरिओम सिंह को पेमेंट दिया इन्होंने, उनको पेमेंट दिया है जगह जमा नहीं किया। हरिओम सिंह, हरिओम सिंह कौन है? लैब के एम्प्लॉय हैं, सेल्स के स्टाफ हैं। आपके सेल्स के स्टाफ हैं? आपकी कंपनी में? हमारी कंपनी में, SBFC में। अच्छा, जैसा कि हमने आपसे पहले वार्ता की थी तो आपने एक बहुत बड़ा क्लू हमें दिया था कि कोडक महिंद्रा की एक स्लिप पे और आपकी ब्रांच की एक स्टैंप लगा दी गई। किस तरीके से ये स्टैंप लगा दी गई? वो मेरी ब्रांच की स्टैंप नहीं है जी, मेरी ब्रांच की स्टैंप आप देख सकते हैं दूसरी है, वो स्टैंप जो लगी दूसरी है। तो आपके एम्प्लॉय क्या तरह तरह की स्टैंप बना के रखते हैं? किसी का जो करने, जिसने पेमेंट ले लिया, जमा नहीं किया है तो आप भी बना सकते हैं स्टैंप। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके एम्प्लॉय आपकी ब्रांच के नाम से तरह तरह की स्टैंप बना के रखते हैं? नहीं, मार्केट से कहीं बनवाई उन्होंने, जब उन्होंने गलत किया है तो उन्होंने मार्केट से बनवाई होगा अपने लिए। जब पेमेंट कस्टमर का वो 420 किया उन्होंने तो स्टैंप भी बना सकते हैं, मार्केट में 50 रुपये बनती है। इधर स्टैंप ऑफिस की जो है वो जेन्युइन इधर रखी हुई है। वो आपकी स्टैंप बना के, मैनेजर की स्टैंप बना के और किसी का लोन ही साफ कर दे, क्या कहेंगे? ऐसे कैसे कर सकते हैं? इधर पेमेंट जमा ब्रांच बैंक के नाम से, आपकी ब्रांच के नाम से जब उसने स्टैंप बना दी तो हो सकता है आपके नाम से 50 रुपए में स्टैंप बनवा के और क्लियर कर देगा। इधर ब्रांच में रिकॉर्डिंग है, कैमरा है ना, कस्टमर ब्रांच में कैश दिया काउंटर पर, ना कैश काउंट किया ना कैश जमा किया, इन्होंने जो किया बाहर किया कस्टमर का मैटर। रिकॉर्डिंग आप शो करेंगे? इनसे पूछिए रिकॉर्डिंग का ब्याज दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे ओरल बात में आप कह रहे थे उसने एक्सेप्ट किया है, वो गया हुआ है ओरल बात में, अभी भी आप ऑन कैमरा आप ये बात कह रहे हैं और अभी जस्ट आपने एक मोड़ ले लिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या आप रिकॉर्डिंग शो करेंगे? ये हेड ऑफिस से निकली रिकॉर्डिंग, इधर नहीं है, हेड ऑफिस से है मुंबई में। तो आपने कहां से देख ली जब हेड ऑफिस पे रिकॉर्डिंग है? तो आप कैसे रिकॉर्डिंग का भी वो दे सकते हैं? या पेमेंट ब्रांच में जमा नहीं हुआ था उसका? मैं इतना जानना चाह रहा हूं, जैसा कि आपने कहा कि रिकॉर्डिंग हमने देखी है, कस्टमर आया ही नहीं, आप कह रहे हैं कि आप हेड ब्रांच में? एक मिनट सुनिए, अभी मैंने क्या बोला आपको, ऊपर मैंने फोन किया आपके सामने, मेल करेंगे डॉक्यूमेंट, अभी कस्टमर जस्ट अभी दिए हैं, मेल करेंगे वहां से रिप्लाई आएगा, उसे जाओ तो आपको तब मिलेगा। तरीके के और कितने कस्टमर हैं? ऐसा कोई नहीं है, आप अभी अभी हाँ आपको लगे ढूंढ के लाइए, जो भी होगा उसके आप लीगल एक्शन ले कंपनी उसके खिलाफ, आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। अभी जो कस्टमर के साथ करीब एक साल से जो फ्रॉड हुआ है उसका क्या होगा सर, उस पैसे का क्या होगा? कंपनी जवाब देगी, लेटर दिया आज आके सुबह
ब्रांच में तो कस्टमर आए हैं 15 दिसंबर 2023 को, आज लेटर दिया, इसका डॉक्यूमेंट सेंड किया जाएगा। जब आप लोन करते हैं तो क्या आपके चार्जेस होते हैं, ब्याज के जो चार्जेस होते हैं? वो डॉक्यूमेंट में लेटर में सब मेंशन है। आप डॉक्यूमेंट मैक्सिमम क्या चार्जेस, आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मेंशन सब उसमें है, आप चेक कर सकते हैं। एक साल से आदमी वो उस पैसे का 1,00,000 रुपए का ब्याज भी दे रहा है भाई, जब ब्याज पैसा जमा नहीं हुआ तो ब्याज भी दे रहा है। अभी आपसे क्या बोला है, एक बात बोलिए सुनिए, जब तक यहाँ से प्रोसेस ऊपर सेंड नहीं किया जाएगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको कैसे बार बार का जॉब मिल जाएगा अभी आपको? देखिए, ये थे हमारे साथ ब्रांच मैनेजर, और ब्रांच मैनेजर जी का कहना है कि 50 रुपए में स्टैंप बन जाती है, और उसने वो 50 रुपए की स्टैंप बना के लगा दी। कल को वो इनकी अगर स्टैंप 50 रुपए में बाजार से बनवा के और किसी का भी लोन क्लियर कर दे तो क्या कहना। हमारे साथ वो मौजूद है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, आइए इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? देखुंड सर अशोक। कहाँ के रहने वाले? अशोक विहार सदर। सदर, क्या मामला था, आप ब्रांच आए? सर मैंने 1,00,000 रुपए कैश में दिया था, लोन क्लियर करना चाहता हूँ। किस चीज का लोन चल रहा था? होम लोन चला था। होम लोन चल रहा था, कब किया था आपने लोन? मैंने 3/1/2023 में 3/1/2023 में लोन कराया था। लोन कराया था तो मैं पहले था, लेकिन 1,00,000 रुपए दिया था मैंने जी, पैसे लेके पूरे आया था मैं, इन्होंने पैसे लिए नहीं। फिर मैंने बोले 1,00,000 रुपए ऊपर जमा हो जाए, ऊपर ऊपर का जमा हो जाएगा, बाकी उसमें होगा चेक द्वारा होगा। फिर उनको पैसों में वापस ले गया, 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ पर दे दिए। अच्छा, यहीं पे जमा किए थे? हाँ, यहीं पे जमा किए थे। पक्की बात है ना, ये अभी सीसीटीवी का बयाव दे रहे हैं कि सीसीटीवी में कस्टमर आया ही नहीं। सर मेरे पास मोबाइल है ना, इस पे सारी रिकॉर्डिंग है, सब रिकॉर्डिंग है इसमें। जरा एक बार वो रसीद आप दिखाएंगे जरा दर्शकों को, जो रसीद दी गई है, जरा एक बार ये रसीद दिखा दीजिए, जो रसीद आपको ब्रांच के जिस व्यक्ति ने दी है, हरिराम, क्या नाम बताया था? हरिओम सिंह। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये रसीद है, इस पे कोडक महिंद्रा बैंक की रसीद है, और स्लिप पे जो मोहर लगी हुई है वो इनके ब्रांच की लगी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड। ये रसीद इन महोदय को दी गई, और ये 1 साल तक निश्चिंत थे कि मैं पैसा जमा कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा पैसा जमा हो गया, मेरा लोन का जो पैसा था वो मैंने जमा कर दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इस तरीके का फ्रॉड हुआ? पंद्रह से बोले थे कि अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सर 4 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, तो आज तारीख 15 हो गई, तो 15 दिन से अपडेट नहीं हुआ है। अब अपडेट हुआ सर, फिर मैंने किसी से जुगाड़ बना के माँ का नंबर लिया, मतलब जहाँ ब्रांच होती है मेरे ब्रांच का लखनऊ से, उनसे बात की तो वो सर आपका पैसा जमा ही नहीं हुआ है और जो रसीद फर्जी बनाई गई है। जब फर्जी, आप सुबह आए तो फिर क्या कहा गया आपसे? सुबह तो बोले मेरे हाथ पैर जोड़े थे कि भाई सर मैं आपको पैसे आज जमा कर दूँगा शाम को। नहीं, पैसे चाहिए इसी वक्त, सर बैठे हैं बाहर से, सर आए ये बैठे हुए हैं, इसी वक्त पैसे चाहिए मुझे। अभी कहाँ है वो व्यक्ति जिसने फ्रॉड ला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले। ये देखिए, सुबह जब ये लोग आए, इनको पता चला तो इनसे कहा गया कि मैं आपके पैसे अभी जमा करता हूं, और वो व्यक्ति ब्रांच छोड़ के जा चुका है। इस तरीके से पता नहीं कितने लोगों के साथ प्रॉपर्टी लोन को लेके जब लोन किए जाते हैं तो बड़े बड़े वादे इनके द्वारा किए जाते हैं, मगर जब बातें चलती हैं तो अभी एक उत्तर प्रदेश पुलिस से भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना था कि 8% ब्याज था, बढ़ाते बढ़ाते आपने 15% कर दिया, मेरा क्लोज कर दीजिए। किस तरीके से लोगों के साथ ये धोखाधड़ी यहाँ पे की जाती है कि बताया कुछ जाता है। अच्छा, जिस समय आपने लोन लिया था उस समय क्या बताया? मैंने पूछा था सर इसकी ब्याज क्या है जी, कितने समय का होगा जी, कितना खर्चा होगा, पूरा सब उसमें लग के आ जाएगा। मैं सर आपको बैठे हैं, आप लोन करते हैं, घूमते हैं, तो आप ये पता नहीं बैंक कितने परसेंट ब्याज दे रही है, ये सर उसमें लग के आ जाएगा। मुझे पता होती 22% है तो मैं लोन कराता ही नहीं। ये देखिए, 12-13 की बात करके 22% का इनसे ब्याज भी वसूला गया, और ब्याज तो चलिए ठीक है उसने दिया, उसको जरूरत थी, मगर उसका पैसा लेके पैसा जमा नहीं किया गया। एक फर्जी स्टैंप बैंक की बना दी गई, खुद मैनेजर साहब ने यह कबूला है कि जो स्टैंप थी वो फर्जी थी, और उस व्यक्ति ने ये भी कबूला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं और मैं जमा करूंगा। अभी वो व्यक्ति बैंक छोड़ के, इनकी जो ब्रांच है ब्रांच छोड़ के यहाँ से जा चुका है। अब देखना ये होगा कि ये ब्रांच मैनेजर महोदय और इनका जो स्टाफ है उस पर क्या कार्रवाई करता है, और कितने लोग इस खबर को देखने के बाद अपने साथ फ्रॉड की सूचना इन ब्रांच मैनेजर महोदय को देंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम। कौन सी ब्रांच में जॉब करते हो? SBI
अच्छा, अभी क्या मामला है 1 लाख रुपए का? इनका मामला ये, इन्होंने 1 लाख रुपए जनवरी में कैश दिया था जी, और वो दूसरे कस्टमर के उसमें चढ़ गया था इनका पैसा, हमने 1 लाख रुपए इनको विद इंटरेस्ट। अच्छा, 1 लाख भी इन्होंने कई बार आपसे कहा, फिर आपने क्यों नहीं दिया? वो अपडेट नहीं हुआ था उसमें सिस्टम में, दूसरे के उसमें। क्या 1 साल तक किसी का भी ऐसे अपडेट नहीं होता है, किसी का भी चढ़ जाता है? नहीं, वो जो चला गया एम्प्लॉय को छोड़ के, उसकी मिस्टेक उसकी वजह से हो गई थी और कुछ नहीं। हमारे भी और ये तो कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया था। हाँ, हमको ही दिया, हम तो मना कर रहे हैं। फिर तो मना कब कर रहे हैं? तो एम्प्लॉय छोड़, 1 साल से, 1 साल से क्यों नहीं आपने अपडेट कराया? 1 साल लगता है अपडेट होने में? अपडेट में ऐसा हुआ है, वो दूसरे के में चढ़ गया था। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, वो एम्प्लॉय के में भी चढ़ा तो एक दिन में पता चल जाता ना, इतनी बड़ी ब्रांच आप चला रहे हो, कोई दिक्कत? 1 साल उसको हुए, 1 साल में ऐसा क्या हुआ? 1 लाख माइनस करके ही करवाया था, RTGS करवाया इनका, 1 लाख माइनस करके ही करवाया। अब इनका मैं विद इंटरेस्ट वापस कर रहा हूँ 1 लाख। तुम्हारे ब्रांच में तो किसी को पता ही नहीं है फर्जी मोहर आपने बनाई है? वो बता रहे फर्जी मोहर है, और कोई फर्जी नहीं, वो दूसरा एम्प्लॉय छोड़ के चला। खुद BM कह रहे हैं कि ये हमारी ब्रांच की मोहर नहीं है, फर्जी है। वो बाई मिस्टेक, कोडक महिंद्रा की पर्ची पे आप 1 लाख रुपए की SBFC की मोहर लगा के दे रहे हो, कैसे हो जाएगी? वो बाई मिस्टेक हो गया, वो लड़का छोड़ के चला गया। ये बड़ी ये मिस्टेक है आपके BM कह रहे 50 रुपए में मोहर बनवा ली गई होगी और लगा दी गई होगी। गलती को मान रहा हूँ मैं। नहीं, मोहर फर्जी कैसे बनवा ली आपने? कहाँ से बनवाई थी? फर्जी नहीं, मोहर तो यही फर्जी मोहर। आपके BM कह रहे फर्जी है? चलो फर्जी होगी, चलो कोई नहीं, चलो नहीं, आप बताइए ना, आप ये बताइए फर्जी कहाँ से बनवाई आपने मोहर? कहाँ से? मैंने कोई फर्जी मोहर बनवाई नहीं। आपके BM कह रहे मोहर फर्जी है? चलो फर्जी होगी तो मैं कब कह रहा हूँ, चलो नहीं, मैं चलना चाह रहा हूँ फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई आपने? फर्जी बनेगी बाहर से बनवा। आप इस तरीके से फर्जी मोहर लगा के किसी का भी कर देते हैं? नहीं, कितने लोगों का किया आज तक? आज तो एक का भी नहीं हुआ आज तक, आज पास साल हो गए इसमें। इनका तो किया ही, खड़े हैं हमारे सामने। तो मैं अभी 2 घंटे की इनसे बोल के गया था, वो भाई साहब आए थे, इनसे बोल के तो गया था 2 घंटे। ये भाई साहब खड़े हैं आपके पास, ये कह रहे कि आपके साथ सब बनाए इन्होंने। इनके BM क्या कह रहे थे अभी? कह रहे थे भैया जी का नाम फर्जी है, फर्जी है। अच्छा, कोडक भाई साहब, कोडक महिंद्रा की, भाई साहब कोडक महिंद्रा की पर्ची पे आप SBFC की पर्ची दे सकते हैं? वो कहता रहा गलती से हो गया, ये बड़ी गलती नहीं है। चलो जो भी आप जो सॉल्यूशन है कर रहे हैं, फ्रॉड बने का काम वो आज तक नहीं किया हमें, 5 साल हो गए। अजय, तो अभी भी आप कह रहे थे मोहर फर्जी नहीं है, तो 5 साल हो गए। मैं कहता रहा हूँ वो हो गया, जो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय का नाम क्या है? बहुत चले गए नहीं, जो एम्प्लॉय नहीं जिसने ये किया है, जिसने कैश किया है, कैश तो मुझे ही देके गया। मैं कब कह रहा हूँ जिस पे जिसने रसीद बनाई है उसका नाम बताइए, जो छोड़ के गया। रसीद तो आपने बनाई है और कुछ नहीं, मैंने बनाई। अभी आप कह रहे हो कि वो छोड़ गया, छोड़ के चला गया, भाई मिस्टेक हो गया। और एम्प्लॉय नहीं 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 आपने पैसा इन्हीं को दिया था? किसने दी थी आपको? इन्होंने व्हाट्सएप की थी। अच्छा, जिस समय से व्हाट्सएप की उसके बाद कितने कॉल किया आपने इनको? लाखन कॉल है गए सालन को, सालों से आप कॉल कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी आता है? रिकॉर्डिंग है। और 50 बार नहीं हो सके पाया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने बताया नहीं, और ये कह रहे हैं कि हजारों कॉल रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, तो बताने की मैं कब कह रहा हूँ? अभी आप इनको पैसा दे रहे हो ऐसे, 1 साल से जो व्यक्ति उसका ब्याज भर रहा है, 1 साल से उसका जो हरेसमेंट हुआ है, आपकी टीम वहाँ पहुंची, इनको प्रताड़ित किया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम वापस कर तो रहे हैं। कल आप ब्रांच के मैनेजर की मोहर लगा के पूरी ब्रांच को भेज दोगे, किसी का भी लोन क्लियर कर दोगे, क्या कहोगे इस लेके? ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसे कैसे? इनसे अभी तो बात हुई थी, 2 घंटे बोल के तो गए थे, हमने 2 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं किया आपको, बताइए। नहीं, आप पहले ही आ गए 2 घंटे से। आप एक चीज बताइए महोदय, मेरे को एक चीज बताइए। आप अभी कह रहे थे कि ये दूसरे बंदे ने किया, अभी कह रहे हो दूसरे के, आपके ब्रांच मैनेजर उस मोहर को प्योर फर्जी बता रहे हैं? गलत थोड़ी सही बता रहे हैं वो, गलत। तो ऐसे कैसे बन गई मोहर, और कैसे आपने वो, आप तो इस ब्रांच के एक कर्मचारी हैं, आपको नहीं पता थी कि ये फर्जी मोहर लगा के मैं रसीद भेज रहा हूँ? और ऐसा रीजन बता दीजिए बस महोदय। कुछ नहीं है, वो दूसरे कस्टमर के उसमें चढ़ गया। कैसे चढ़ जाएगा महोदय? आप अपना पैसा, अपनी सैलरी का पैसा दूसरे के अकाउंट में फॉरवर्ड कर देंगे, मुझे बता दीजिए। चलिए, फिर तो मोहर कैसे लग गई भाई साहब? मोहर कैसे लग गई? जब वो दूसरे के में ट्रांसफर हो गया, आप कहते थे कल ट्रांसफर करते, तो नंबर कस्टमर का नाम क्यों नहीं बदला? उस कस्टमर का नाम बताइए जिसके में बदला है, उसका पैसा ट्रांसफर रिटर्न लीजिए। JBG फूड सप्लीमेंट है उसका नाम, तो उसकी रसीद निकालिए, दिखाइए कहाँ जमा किया आपने उसका पैसा। जमा दिखा देंगे। हाँ, निकाल रसीद, डेट को जमा है उससे। मोहर भाई साहब ये बताइए, आपने इनको स्लिप भेज दी कोडक महिंद्रा की, और इनका पैसा जमा हो रहा है SBFC में, और आपने मोहर लगा दी उस पर SV प्राइवेट लिमिटेड की, जबकि आपकी जो ओरिजिनल मोहर है वो है एस फाइनेंस लिमिटेड करके कुछ आपकी मोहर चेंज हुआ है ना? पहले नाम था, पहले यही प्राइवेट लिमिटेड की कैसे बना दी आपको? मैं पहले यही नाम था, अब चेंज हो गया। कितने दिन पहले? ये अभी 3 महीने पहले चेंज हुआ, 3 महीने पहले तक यही थी।
मोहर तो जाएगी, पहले वो लगाते नहीं भाई साहब मोहर, वो खुद पढ़ती बता रहे आपके बीएम हमारे साथ देंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस के साथ बीएल पांडे मथुरा।